गाइस जब लड़के करते हैं ना कुकिंग तो ऐसा ही होता है। गाइज वेलकम टू माई चैनल, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। सो गाइज इस हफ्ते मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस। तो अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो मिलिए इससे। हेलो कर। हाय, ये मिल चुके हैं मुझसे। हाँ मिल चुके उसी फ्रेंड के। मैं अभी घर आई हूँ सीधे कॉलेज से, तो अब देखते हैं कि क्या खिलाती पिलाती है मेरे को। ऐसा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो मैंने इसको बोला कि मेरे लिए बना तो कॉफ़ी, तो ये कॉफ़ी इसने मेरे लिए बनाई है तो अभी मैं इसको पीऊँगी। आज मेरा जो भाई है ना ये घर में वापस आ चुका है, वेलकम कर रहे इसका। एंड आते ही इसने खोलेरा डाला हुआ है अपना, एंड ही इज मेकिंग मैक्रोनी फॉर मी एंड फॉर मी बोलना फ्रॉम बोला मैं फॉर बोला मैंने इसे सुनो। और ये देखो गाइस ये करा है प्याज, और कितनी बेकार सी प्लेट सी, पता नहीं क्या ढक्कन लिया हुआ उसमें करा, इसको कोई वो नहीं है कि अच्छे बर्तन लूँ। और ये पता नहीं क्या 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 करा है, आई डोंट नो। बिट सॉरी एंगड, अपनी शक्ल दिखाना एंगड। एंगड हाई बोलो मेरी ऑडियंस को। सो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो भाई था वो वापिस आ चुका है और बहुत बदतमीज हो चुके हैं। वैसे मैं लग कैसे रही हूँ, बाजू उसमें लंबी लगती है क्योंकि 3-5x पे मैं रखती हूँ तभी। और इसने गंद इतना डालता है ना, इतना ज़्यादा गंद डालता है ना ये, मैं क्या कहूँ। और ये मेरा है पास्ता, पास्ता नहीं मैक्रोनी। सो गाइस ये बना तो रहा है वैसे मैक्रोनी, बट ना इस टाइम सब्जियां तो हैं बट जो मैक्रोनी में डलने वाली चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल कैप्सिकम हो गया और जो भी डलती हैं वो कोई भी नहीं है घर पे, तो इसमें सिर्फ प्याज डालने हैं। देखते हैं ये कैसी बनती है क्योंकि ये वाइट सॉस बना रहा है, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि इसने कैसी बनाई है। गाइस वहाँ फ्रिज पूरा भरा होता है इतना फुल फुल, और ये पता नहीं कीड़े मसाले डूल रहा है। दुनिया भर के मसाले मेरी मम्मा ना सब कुछ, आटे भी मेरी मम्मा मसाले मैदे मूदे सब कुछ फ्रिज में रखते हैं। मेरा भाई काम भी करता है वैसे। मिला गाइस को क्या कहना चाहता है कि अब तू इस कीड़े का क्या डालेगा? मक्की का आटा थोड़ा डालते हैं इसमें। गाइस ये दौड़ने तो लगा हुआ है बट मुझे लगता नहीं है तो खिला पाएगा आज। कुछ ना कुछ तो खिलाऊंगा। क्या ये मैदा? मैदा नहीं है, चावल का आटा है। चावल का आटा मुझे लग रहा है। चलो देख ले, चावल का आटा होगा ना खराब हो जाएगा। इन्हें हीटर बंद नहीं किया था तो पूरा जल गया सब कुछ। दिखा मुझे। ओह शिट शिट, तू करना क्या चाहता है? धोना कढ़ाई तो तूने जला दी। शेफ बने हैं बड़े बड़े बिग शेफ आए हैं हमारे घर। ओ गाइस जब लड़के करते हैं ना कुकिंग तो ऐसा ही होता है, मुझे लगता है तू खिला भी पाएगा मुझे आज। काखने काटते खिलाई दूंगा। सड़ी हुई मैक्रोनी मत खिला देना। पास्ता बन रहा है, पास्ता मैक्रोनी है हमारे पास। बना तो पास्ता रहूंगा समझ के। ओ खाई। सो गाइस मैं अभी तक इसका वेट ही कर रही हूँ और मैं यहाँ शेल्फ के ऊपर बैठ गई हूँ कि ये कब बनेगी कब बनेगी। और इस बदतमीज ने बर्तन मैंने साफ करने हैं, मैक्रोनी मैंने बॉईल कर दी, तो इसने क्या किया? क्या बनाई तूने? शेफ का काम होता बनाना। अभी नहीं बनी है। गाइस हम खेल रहे हैं होली। मैं खेलना नहीं चाहती थी, मुझे फीवर है बट फिर भी। ऐसे कैसे नहीं खेलना? ये लोग फोन है, मैं दूसरी बार पकड़ में सकती मेरा हाथ। अंगद का वेट हो रहा है और उसको हम आते झपक झपट्टा मारेंगे। गाइस अंगद जो है वो आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, कब से वेट कर रहे हैं उसका। जी
अंदर तो दो जल्दी दिए फेंकने के लिए पानी कम हो गया। इधर चलो, इधर गेट के पास चलो सारे। बस 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 आप पे करी करी याद की जिधर करो बस हो ये हूं ना यार। तुम्हारे पास कलर की भी कितनी शॉर्टेज है, मेरा फिर मत फैलना, तूने मुझे आज से पूरा गीला कर दिया हुआ है।